वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉलेज के एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग में। बेसिकली लास्ट टाइम एक न्यूज निकल के आई थी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का अपना एग्जाम पैटर्न कंडक्ट या सेव कर रखा है। तो इस बार ड्यू टू COVID-19 की वजह से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है 3 आवर्स के बदले 2 आवर्स का कर दिया गया है। लेकिन अभी बात करूं मैं तो उत्तराखंड में जितने सारे डिग्री कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन सभी का एग्ज़ाम पैटर्न 2 आवर्स कर दिया गया है। पहले 3 आवर्स का होता था लेकिन अब 2 आवर्स कर दिया गया है। मैं आपको पूरी न्यूज बताता हूँ। कोरोना इफेक्ट, डिग्री कॉलेज में अब तीन के बजाय 2 घंटे का होगा पेपर। राज्य के डिग्री कॉलेजेस व विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने के लिए शासन व विश्वविद्यालय स्तर पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षा 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में पूरी कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही मंत्रालय से मिली तिथि पर परीक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी। राज्य के डिग्री कॉलेजेस व विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी। इसके लिए लंबे समय से शासन व विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर तमाम निर्णय लिए हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए विभाग ने इस बार परीक्षा का समय 3 घंटे की बजाय 2 घंटे कराने का निर्णय लिया है। इस अवधि में केवल BA व MA के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है। तिथि व अनुमति मिलते ही राज्य के डिग्री कॉलेजेस में परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। और जो दूसरी हेडलाइन है, दूसरे राज्यों के छात्रों की कोरोना जाँच जरूरी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में दूसरे राज्यों से परीक्षा देने आने वाले छात्रों को लेकर कोरोना की जांच अनिवार्य किया जाएगा। कोरोना जांच में नेगेटिव आने पर ही उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। कोरोना जांच में पॉजिटिव आने पर उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। सो बेसिकली पूरा मतलब निकल के ये आता है, जितने सारे उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, फाइनल ईयर एग्ज़ाम जिसमें होने वाले हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से होने वाले हैं, तो उन यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों या कॉलेजेस में पेपर पैटर्न 3 आवर्स के बदले 2 आवर्स रख दिया गया है हर यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड की। और मैं बात करूं अगर फॉर एग्जांपल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ही, तो मैं बेसिकली बता दूं कैसे एग्जाम पैटर्न आने वाला है। जैसे मेरे पास एक सैंपल पेपर है, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जैसे ये ऑडिट सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास सैंपल। बेसिकली पहले क्या होता था, 3 आवर्स का टाइम पीरियड होता था, टोटल मार्क्स 80 होते थे, जिसमें कि हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी दिए गए होते। सेक्शन ए में बेसिकली 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, 4 में से हमें 2 अटैम्प्ट करने होते थे, 2 कंपलसरी होते थे, 19 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। और सेक्शन बी में हमारे पास 8 क्वेश्चन आते थे। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चन आते थे, 8 में से हम लोगों को बेसिकली हमें 4 अटैम्प्ट करने होते थे। 4 अटैम्प्ट करने में आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल, 8 मार्क्स के मतलब 8 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिल जाता था, तो हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे। और सेक्शन सी में बेसिकली मैं बात करूँ, 10 क्वेश्चन आते थे, MCQ टाइप के होते थे, वो या तो MCQ होंगे या तो ट्रू फॉल्स होंगे, हमें वो अटैम्प्ट करने होते थे। तो बेसिकली मैं बात करूँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने सेक्शन सी गायब कर दिया है, सेक्शन सी को हटा दिया गया और सेक्शन ए और सेक्शन बी ही रखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स 80 मार्क्स का ही रहेंगे, लेकिन उसमें से मार्क्स में डिवीजन हो जाएगा मार्क्स का। सेक्शन ए में भी मार्क्स इंक्रीज होंगे और सेक्शन बी में भी मार्क्स इंक्रीजेस हो जाएं, जिससे कि वो जो 10 मार्क्स का ट्रू फॉल्स MCQ आता था, तो वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में ही डिवीजन हो जाएंगे उस मार्क्स के। तो मैं बता दूं, जो इतने सारे स्टूडेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरा ये है कि जो सेक्शन सी होता था मेनली मेरा, उसमें 10 मिनट ही, मतलब मैंने पहले जो पेपर दिए हैं तो उसमें 10 मिनट ही मैंने ज़्यादातर लगाए हैं, तो सेक्शन सी से 10 मिनट ही लॉस्ट होता था। लेकिन अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में मेनली 2 आवर्स में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज जिन बच्चों की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। तो मैं बेसिकली उन लोगों को बता दूं आप लोगों को क्या क्या करना है। सेक्शन ए में आप लोगों को, सेक्शन ए में जैसे 19 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, बेसिकली वो 20-20 के हो सकते हैं अभी, अगर एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है तो 20-20 का हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन, आधे घंटे जो 19 मार्क्स या 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप आधे घंटे में डिवीजन कर देंगे, आधे घंटे एक क्वेश्चन में लगाएंगे, आधे घंटे दूसरे क्वेश्चन में, और बाकी जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन बच जाते हैं सेक्शन बी में से, 8 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन करने होते थे, तो आप उसमें, हमारे पास 1 घंटे बचा हुआ, 1 घंटे में आप 15-15 मिनट के
चार क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, 15 15 15 15 और जस्ट 60 मान के चलिए, 60 एक आवर्स में आप फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, 15 15 का आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, आप एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी रखिए और लिखने पे फोकस कीजिए। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो तभी आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे और मार्क्स अच्छे से गेन कर पाएंगे। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन bell icon to get for more regular updates. Firstly, thank you for watching this video.